पिछले चार हफ्तों से फ्रॉम द लास्ट फोर वीक्स हम आप लोगों को प्रार्थना के विषय पे हम सिखा रहे हैं. कौन से विषय पर? और उस विषय पर आप लोगों को बाइबल में से सिखाने का मकसद एक ही है. वो ये नहीं कि आप इकट्ठे कर लें अपनी डायरी में बहुत सारे पॉइंट्स, हमने प्रार्थना के बारे में ये सीखा, हमने प्रार्थना के बारे में, ये मकसद नहीं है. चार हफ्ते बार बार प्रार्थना के बारे में आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमारी इच्छा है कि आपका और मेरा जीवन, हमारा जीवन प्रार्थना करने में हम आगे बढ़ें. हालेलुया. बस यही एक इच्छा है, इसीलिए अब आपको हम सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के साथ बातें करने में, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, परमेश्वर के साथ बातचीत, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता प्रार्थना के जरिए से मजबूत हो जाए. यही एक मकसद है. कितने लोग यहाँ पे हैं जो अपनी जिंदगी में कभी डेंटिस्ट के पास गए हैं, दांत के डॉक्टर के पास कौन कौन गए हैं? कभी ऐसा, अब ऐसा होता है, आप बता सकते हैं, ऐसा होता है कभी कभी कि आपकी जो भी समस्या है वो दांत का डॉक्टर एक ही बार में ठीक नहीं कर सकता, आपको बार बार बुलाना पड़ता है. ऐसा होता है कभी? यस और नो, होता है ना? उसी प्रकार बाइबल की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बार सुनने पर हमको समझ में नहीं आती हैं. एक्चुअली इंसान तो इतना ढीठ है, आप और मैं इतने ढीठ हैं, सारी उम्र कभी कभी सुनते रहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं आता है. सोनू भैया बताए थे ना जब हमने आराधना शुरू की कि परमेश्वर ने सूरज बनाया, सूरज कभी गलती नहीं करता, चांद बनाया, चांद कभी गलती नहीं करता, तारे बनाए, तारे अपने अपने स्थान पे टिके हुए हैं, कभी गलती नहीं करते. जैसे परमेश्वर ने प्रकृति को बनाया, आज्ञा को मानते, लेकिन आप और मैं मनुष्य ऐसे हैं कि हमें बार बार सुनना पड़ता है. आपको याद है यीशु जब प्रचार करते थे तो बीच बीच में कभी कभी यीशु मसीह ऐसे बोलते थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं. पढ़ा है आपने कभी बाइबल में? मैं तुमसे सच सच कहता हूं. क्या यीशु मसीह कभी झूठ झूठ कहते हैं? तो फिर सच सच क्यों कह रहे हैं? मतलब वो कह रहे हैं कान लगा के ध्यान से सुनो. आपको याद है कभी कभी यीशु बोलते थे कि जिनके पास कान है वो सुन ले. यीशु मसीह ऐसे कहते थे जिनके पास कान है वो सुन ले. तो क्या यीशु मसीह कभी कभी जिनके पास कान नहीं है उनको सुनाया करते थे? यीशु मसीह उन्हीं से तो बात करते जिनके पास कान है. बात यहां पे ये है, हमें, हम जब वचन को सुनते हैं, हमें अपने जीवन में सोमवार से लेके और शनिवार तक हमें अपने आप को याद दिलाना होता है जो हमने सीखा है, जो हमने सत्संग में सुना है, उसके अनुसार अपने जीवन में उस वचन को पूरा भी करना है. इसलिए मैं पिछले चार हफ्तों से इस विषय पर मैं आपको सिखा रहा हूं. चार हफ्तों से प्रार्थना के विषय में लगातार प्रार्थना करो. प्रार्थना का उत्तर जब तक नहीं मिला तब तक प्रार्थना करो. आप सबको मोनिका की, मेरे को वो कहानी बहुत सच्ची कहानी, मुझे वो बहुत प्रेरित करती है मेरे जीवन के लिए. वो कहानी जिस, उस महिला की कहानी जिसका नाम क्या था, सबको याद होना चाहिए, बहनों को याद है, भाइयों क्या नाम था उसका? मोनिका. मोनिका का हस्बैंड अच्छा आदमी नहीं था. उसने सारी उम्र अपने हस्बैंड के चेंज होने के लिए प्रार्थना की. उसका हस्बैंड कब बदला? अपने मरने के एक दिन पहले बदला, पर बदला जरूर, खुदा की महिमा हुई. फिर उसका बेटा बिगड़ा हुआ, उसने कितने साल प्रार्थना की अपने बेटे के परिवर्तन के लिए? कितने साल? 20 साल प्रार्थना की. अगर वो 19 साल प्रार्थना करके भी छोड़ देती उसका बेटा परिवर्तित नहीं होता. लेकिन उसकी उसकी जो इच्छा थी कि मेरा बेटा सही रास्ते पर चले, मेरा बेटा यीशु पे विश्वास करे, जब तक उत्तर नहीं मिला तब तक उसने प्रार्थना की. उसने 20 साल तक प्रार्थना की. इसी बात को हम आपको सिखा रहे हैं, लगातार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो. और मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं पिछले चार हफ्ते से, आज चौथा हफ्ता है, कि प्रार्थना परमेश्वर से चीजें पाने का कोई पासवर्ड या तरीका नहीं है. ऑफकोर्स प्रार्थना के जरिए से प्रभु हमें चीजें देता है, लेकिन प्रार्थना केवल प्रभु से चीजें मांगने का तरीका नहीं है. प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का एक जरिया है. प्रेयर इज द मीन्स टू नो गॉड, नॉट टू गेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, बट थ्रू प्रेयर वी गेट क्लोज टू गॉड, वी डेवलप अ रिलेशनशिप विथ हिम, वी एंजॉय हिज प्रेजेंस.
प्रार्थना के जरिए से हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते का आनंद उठाते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक अदृश्य आत्मिक कमरा है जिस कमरे में जाके हम परमेश्वर से मीटिंग करते हैं। ना केवल हम प्रभु को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उस आत्मिक प्रार्थना के कमरे में परमेश्वर भी हमसे कुछ कहता है। इसलिए आप जब प्रार्थना करते हो, केवल आप परमेश्वर को खूब सारी बातें मत बताएं। जब आप प्रार्थना करते हो, शांत बैठकर पवित्र आत्मा की आवाज को, परमेश्वर की आवाज को, कि वो क्या कह रहा है प्रार्थना में, वो भी सुनना है। इसलिए परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर हमारे साथ संबंध रखना चाहता है, और परमेश्वर ने प्रार्थना एक ऐसा साधन बनाया है आप सबके लिए कि आप प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के जरिए से आप परमेश्वर के साथ जुड़ सको। और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि वो आत्मा, एक सचमुच में प्रार्थना करने वाली आत्मा किस प्रकार की होती है। एक बड़ी खूबसूरत दर्द दुख वाली कहानी है, लेकिन उसमें प्रभु की महिमा भरी हुई है। कि एक ये कहानी पहला शमूएल पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। एक आदमी था, एलकाना नाम का आदमी। क्या नाम है उसका? सारे बोलो, क्या नाम है उसका? तो एलकाना नाम का आदमी है, और उसकी दो बीवियां थी। उसकी एक बीवी का नाम था पेनायना और दूसरी का नाम था हन्ना। जो उसकी पहली बीवी थी पेनायना, उसके पास औलाद थी, उसके बेटे थे, उसकी बेटियां थी। लेकिन जो उसकी दूसरी बीवी थी जिसका नाम था हन्ना, क्या नाम था? जो उसकी दूसरी बीवी थी हन्ना, ये सच्ची कहानी है जो हम इतिहास में पढ़ते हैं बाइबल में। हन्ना के पास कोई औलाद नहीं थी, और आपको पता है कि सौतन उनका रिश्ता कैसा होता है आप जानते हैं। तो पेनायना जिसके पास औलाद थी, वो हन्ना को बहुत टॉन्ट मारती थी, बहुत उसको परेशान करती थी, बहुत उसको दुख देती थी। लेकिन उसका पति हन्ना को प्यार करता था। जब मैं आपको बड़े साधारण शब्दों में कहानी बता रहा हूँ, जब खाने पीने की बातें होती थी, तो वो अपनी पहली पत्नी जिसके पास औलादें थी उनको खाना देता था, लेकिन जिस पत्नी के पास औलाद नहीं थी, जो बांझ थी, उसको वो दुगना खाना देता था, प्यार दिखाता था, उसको बहुत प्यार करता था। लिखा हुआ है उसको बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी बहुत दुखी होती थी, हन्ना बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से कहता था कि हन्ना तेरे पास औलाद नहीं है, कोई बात नहीं, तू दुखी क्यों होती है? क्या मैं खुद तेरे 10 बेटों के बराबर नहीं हूं? एक बड़ी अच्छी बात हम यहां पे सीखते हैं कि पति अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ये मैं इस तरफ नहीं, इस तरफ बोलना चाहिए। जो पति है अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, पत्नी की कमजोरी के बावजूद। पत्नी कोई चीज नहीं दे पा रही है, कोई काम नहीं कर पा रही है, उसके बावजूद पति जो है अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा व्यवहार करता है, उसको दुगना प्यार दिखाता है उस चीज में जिस चीज में वो कमजोर है, कर नहीं सकती। अपनी पत्नी की कमजोरी में अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा व्यवहार निभाना और उसको समझना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर, 7 में पढ़ें। उसकी जो, अब सारे मुझे बताएं, उस पत्नी का नाम क्या है जिसके पास औलाद नहीं है? सारे बोलो, क्या नाम है? ओके, हन्ना। ओके, अब पढ़ें 1-7। वर्ष प्रति वर्ष ऐसा ही होता था। हाँ? जब जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती, तब तब पनीना उसको चिढ़ाया करती थी। हाँ, पनीना क्या कर रही है? उसको चिढ़ाती है। तेरे पास कोई, देख मेरे पास बेटियां हैं, तू तो बांझ है, तू किसी काम की नहीं है, ये सारी बातें। ओके, जिससे हन्ना रोती और भोजन नहीं किया करती थी। वो रो रही है, हन्ना रो रही है और खाना भी नहीं खा रही है। फिर तब उसका पति एलकाना उससे कहता, हन्ना तू क्यों रोती है और भोजन क्यों नहीं करती है? हाँ? तेरा हृदय क्यों दुखी है? क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से भी बढ़कर नहीं हूँ? कितना प्यार कर रहा है अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी की कमजोरी के क्षेत्र में। सारे पतियों के लिए, मेरे लिए, हम सब जो यहाँ पे मैरिड हैं, जो शादीशुदा आदमी बैठे हैं, एक सवाल है हम लोगों के लिए, क्या हम अपनी पत्नियों से दुगना प्यार करते हैं और उनकी कमजोरियों में हम उनको प्यार दिखाते हैं और समझते हैं उनको? ये हम सब के लिए एक कठिन सवाल है जो मैं सत्संग में आप लोगों को बोलना चाहता था, सारे आदमी लोगों के लिए। बहुत से काम है जो भाई लोग करते हैं, जो बहन लोग नहीं, उनकी पत्नियां नहीं कर सकती हैं। बहुत से काम है
جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پتنیاں کریں وہ کر نہیں پاتی ہیں, اس لائق ہی نہیں ہے, ان سے ہوتا ہی نہیں ہے. ایسے میں ہم پتیوں کے لیے ایک بہت اچھی بات یہاں پہ ہم سیکھنے کو ملتے ہیں, دگنا پیار اپنی پتنی سے کرنا ہے. اس کھیتر میں خاص طور پہ انسان کتنا سوارتھی ہے, منشیہ کتنا سوارتھی ہے. میں اپنے جیون اپنے انوبھو سے آپ کو بول رہا ہوں, ہم اپنی پتنی کو کتنا پیار کرتے ہیں جب ہماری پتنی وہ کرتی ہے جو کام ہم چاہتے ہیں کہ وہ کرے, جب وہ کرتی ہے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن تب اس سمے کا کیا جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرے اور وہ کر نہیں پا رہی ہے, اس سے بن نہیں پا رہا ہے, وہ کر نہیں پا رہی ہے, تب ہم چڑھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے میری پتنی یہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے. یہ آدمی یہاں پر ایک ادھارن ہے ہم بھائیوں کے لیے, ہم پتیوں کے لیے, کہ اپنی پتنی کو دگنا پیار دکھانا ہے تب جب ہماری پتنی کسی نہ کسی کام میں کمزور ہوتی ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سارے بھائی؟ سارے بھائیوں نے کان بند کر لیے, سن رہے سارے بھائی لوگ؟ اور آپ کی تو خسر پسر ہنسی نکل رہی ہے بہنوں کی, تو کہ مزہ آ گیا آج تو پرچار میں. اینی وے, تو یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا پتی ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے پرارتھنا کی. ہنا کے پاس کیا نہیں ہے بولو سارے؟ ہنا کے پاس کیا نہیں ہے؟ سنتان نہیں ہے, الٹا اس کے پاس ایک سوتن ہے, اس سوتن کے بچے ہیں. اس کا دکھ سمجھو کتنا ہے. اگر آپ سچے دل سے پرارتھنا کرتے ہو, آپ کا جیون ہنا جیسا پرارتھنا کا جیون آپ کا ہونا چاہیے. ہم پڑھتے ہیں ہنا کے جیون میں, میں آپ کو پرارتھنا کے وشے میں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں. ہنا کے جیون سے پرارتھنا کو لے کر کے ہم کیا باتیں سیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ یہاں پر ہیں جن کے جیون میں دکھ ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے جیون میں ہمیں دکھ اٹھانا پڑتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ, کون کون ہے؟ ہوتا ہے ہماری زندگی میں دکھ ہوتا ہے اوپر والے؟ اس کا مطلب مجھے بھی اوپر بیٹھنا پڑے گا لگتا ہے, اوپر والوں کو کوئی دکھ نہیں ہوتا. ہم سب کی زندگی میں ایسے کٹھن پرستھتیاں آتی ہیں. آج صبح میں ایک بھائی سے ملا, میں حیران ہو گیا کہ اچھا پربھو, مجھے پتا ہی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں. پتا نہیں کیوں آتما نے میرے من میں ڈالا, اس بھائی کے پاس جا اور اس بھائی کے کام دھندے کے وشے میں, اس کے پاس جاب نہیں ہے, اس کے ساتھ بات کر. میں چلا گیا اس بھائی کے پاس, میں نے اس بھائی کے لیے صرف اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کے میں نے صرف پرارتھنا کی, پربھو اس بھائی کے لیے نوکری کا انتظام کر. میں حیران کی جب میں نے آنکھیں کھولی, وہ بھائی رو رہا تھا. ہم سب کے جیون میں دکھ ہے, کہیں نہ کہیں اپنے جیون میں ہم پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن بہت بار ہم اپنے آپ کو, ہمارے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, سماج کا پریشر, دوستوں کا پریشر, کبھی کبھی کلیسیا میں بھی ہم لیڈر ہیں تو ہم اپنی کمزوری نہ دکھائیں. ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے سامنے اچھا چہرہ دکھانا پڑتا ہے. ہاں سب ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں؟ سب اچھا ہے, لیکن دل دکھوں سے بھرا ہے, جیون کٹھنائیوں سے بھرا ہے, اور ہمارے اوپر ایک پریشر ہے, بیہیو کرو. کبھی کبھی اپنی پرارتھناؤں میں ہمارے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, ہمیں پرارتھنا کرنی ہے تو سوفسٹیکیٹڈ پرارتھنا کرنی ہے, ہائی فائی پرارتھنا کرنی ہے. ہماری پرارتھناؤں میں بل ہونا چاہیے, ہماری پرارتھناؤں میں ایک اسمارٹنیس ہونی چاہیے, ہماری پرارتھناؤں میں ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی طرح پرارتھنا کرنی ہے. ہم ایسی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں جن باتوں کی پرمیشور بالکل پرواہ نہیں کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے جو ہنا کے جیون میں ہو رہا ہے, کیا ہنا ہائی فائی اور پڑھے لکھے لوگوں کی طرح اور خوب بڑے افسر کی طرح پرارتھنا کر سکتی ہے؟ ٹیل می, بتائیے مجھے, نہیں کر سکتی. اس کا جیون دکھوں سے بھرا ہے. اور میں آپ کو جو سکھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا دل دکھوں سے بھرا ہے, اپنا دکھ پرمیشور کے سامنے ظاہر کرو. جو تمہارے دل کی ویتھا ہے, جو تمہارے دل کی حالت ہے, اوپن اپ ٹو دا لارڈ, پرمیشور کے سامنے کھل جاؤ اور سب کچھ پربھو کو بتاؤ. پریشر محسوس مت کرو کہ آپ کی پرارتھنا ہمیشہ سٹینڈرڈ والی پرارتھنا ہونی چاہیے. اچھے اچھے شبد آپ کو پرارتھنا میں آنے چاہیے, آپ کو پرارتھنا میں بھاشا اچھے سے آنی چاہیے, آپ کو شبد اچھے پتا. ڈونٹ وری اباؤٹ دس, پرے لائک اے چائلڈ, بچے کی طرح پرارتھنا کرو. پربھو یشو نے کہا اگر تمہیں سورگ میں جانا ہے تو کس کے سمان بننا پڑے گا؟ بچے کے سمان. بچے کی بھاشا سنیے, ٹوٹی فوٹی اوپر نیچے, کیونکہ بچہ جیسا ہوتا ہے ویسا دکھا دیتا ہے. اس لیے اگر آپ کے من میں دکھ بھرا ہے, پرمیشور کو اپنے دکھ کو نکالو, پرمیشور کے سامنے ٹیل ہم, شو ہم, ایکسپریس اٹ, دکھاؤ جیسا ہنا نے کیا. اور یہاں پہ کیا لکھتے ہیں ہم, ہنا کے دل میں دکھ ہے. سب لوگ پڑھے دسویں پد میں کیا لکھا ہے, بہن پڑھیں. اور وہ اتیادھک ویتھت ہو کر, اتیادھک ویتھت ہو کر یہوا سے پرارتھنا کرنے اور ولک ولک کر رونے لگی. ہاں,
अत्यधिक अत्यधिक व्यथित होकर, मतलब अपने दिल की जो दुख की व्यथा है परमेश्वर को बता दिया। यू नो, पवित्र आत्मा की अगर आप मदद मांगेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करेगा और आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। मैं अपने चर्च में ऐसे भाई को जानता हूं जो तीन या चार महीने पहले उसने प्रभु को जाना है, लेकिन मैं इस एक महीने में उस भाई के जीवन में प्रार्थना के स्तर को, प्रार्थना के भाव को, प्रार्थना की गहराई को, वो जेन्युइननेस जो उसकी प्रार्थनाओं में मैं देख रहा हूं, मैं हैरान हूं, परमेश्वर तू कैसे लोगों को बदल देता है। प्रार्थना ही तो एक ऐसी चीज है जिसमें हम जैसे हैं प्रभु के सामने खुल सकते हैं। मैं बता रहा था कि मैं कभी कभी ऐसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, प्रभु मेरी सहायता कर, जो हो जैसे हो बता दो प्रभु को। अपने दुखों को लेकर हम छुपाते हैं, अंदर ही अंदर दुख उठाते हैं, अंदर ही अंदर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो लोग पूछते हैं, बेटा कैसे हो, भाई कैसे हो, बहन कैसे हो। हम सबको हमारे देश में एक चीज बोलनी आती है, क्या? बढ़िया है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना सबको, ऑल ओके, सब ठीक है, सब बढ़िया है। इस समाज ने और जिस तरह के दिखावे की दुनिया में हम जीते हैं कि हम सबके ऊपर एक प्रेशर है, दबाव है हमारे ऊपर कि हमें हमेशा सबके सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाना पड़ता है। धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसके सामने अगर हमारी आत्मा रो रही है हम रो सकते हैं उसके सामने। वो नहीं कहेगा कि तुम जब हम दुनिया के सामने रोते हैं तो परमेश्वर, दुनिया क्या बोलती है, मत रो मत रो, ऐसी बोलती दुनिया, और साथ में कुछ कर भी नहीं सकती हमारे लिए। परमेश्वर, हम जब उसके सामने रोते हैं, बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर देख मैं कैसे भटक रहा हूं, क्योंकि दाऊद अपने जीवन में राजा होने के बावजूद एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया जहां पर उसकी जान खतरे में है और वो दर दर भटक रहा था। और वो भजन संहिता 42 में कहता है, परमेश्वर देख मैं कैसे यहां से वहां भटक रहा हूं प्रभु, लेकिन तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे आंसुओं को तूने एक बोतल में इकट्ठा किया हुआ है। इसलिए अत्यधिक व्यथित होकर प्रार्थना करना, अगर दिल में दुख है प्रभु के सामने उस दुख को जताओ, यो एक सच्ची भावना है। हमें लगता है कि जब मैं दुखी हूं तो मैं अभी तो दुखी हूं, प्रार्थना कैसे कर सकता हूं। नहीं बहन, जब तू दुखी है उसी वक्त अपने दुखों को प्रभु को जाहिर कर, उसके सामने बैठ के रो, वही तेरी प्रार्थना है। प्रभु को अपने व्यथा को बताना, अपनी कंडीशन को बताना, अपने हालातों को बताना। जब यीशु मसीह दुख उठाने वाला था तो यीशु मसीह ने अपने दुख उठाने के पहले कहा, माई सोल इज सोरोफुल विद इन मी, मेरे दिल के अंदर, मेरे अंदर मेरी आत्मा दुख से भरी है, मैं अति अति व्याकुल हूं, यीशु ने कहा। यीशु मसीह की ऐसी हालत थी जैसी हन्ना की थी, दुखों से भरी हुई आत्मा। यीशु ने नहीं सोचा अगर मैं दूसरों को बताऊंगा, मेरे चेले मेरे साथ हैं, थोड़ा सा मैं दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं दुख में हूं। यीशु मसीह तो वचन में साफ लिखा हुआ, यीशु ने कहा, घर जाके पढ़ सकते हैं, मरकुस 14 के 34 में इस बात को पढ़ते हैं। देन अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे उसमें लिखा है, माय सोल इज एक्सीडिंगली सोरोफुल, मतलब बहुत ही ज्यादा दुख है मेरे मन में, प्रभु ने ऐसा कहा। पॉलुस जो बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत बड़ा चर्च प्लांटिंग करता है, खूब सारे लीडरों को तैयार करता है, बहुत बड़ा पादरी है, पॉलुस कहता है रोमियो के 12 में, पॉलुस कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे दिल में दुख भरा हुआ है। अगर पौलुस के दिल में दुख है, वो प्रभु को बोलता है, खुदा मेरे दिल में दुख भरा है। कितनी अमेजिंग बात है, हमारी जिंदगी में दुख होता है लेकिन उस दुखों में भी हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हमारा दुख परमेश्वर के पास जाने का साधन बन गया, और परमेश्वर बहुत बार हमारी जिंदगी में हमारे दुखों का इस्तेमाल करता है हमें अपने पास खींचने के लिए। इसलिए अपने दुखों के लिए भी खुदा को धन्यवाद देना है। हन्ना के दिल में दुख था, उसने प्रभु को जता दिया,
यीशु के दिल में दुख था, उसने प्रभु को जता दिया। दाऊद के दिल में दुख था, उसने प्रभु को जता दिया। पौलुस के दिल में दुख था, उसने प्रभु को जता दिया। आप और मैं, हमें भी अपने दुखों को लेकर के ना तो लोगों के सामने नौटंकी करनी है, मतलब एक्टिंग करनी है, मैं ठीक हूँ करने की जरूरत नहीं है। आप जिनकी चिंता करते हो वो आपकी चिंता नहीं करते हैं। आप संसार के सामने अच्छा चेहरा दिखाना चाहते हो अपना, संसार को कोई परवाह नहीं पड़ी कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन परमेश्वर वो कहता है तेरे पुकारने से पहले मैं तेरी सुन लूंगा। इसलिए अपने दुखों को परमेश्वर को जाहिर करो। दाऊद तो ये कहता है परमेश्वर तू मुझे भूल गया, लॉर्ड यू हैव फॉरगॉटन मी। जो भावना है दिल के अंदर, हम जब सत्संग में प्रार्थना करते हैं, मैं आप लोगों को क्या बात बोलता हूं, मैं आपको यही बोलता हूं ना, जो दिल में है प्रभु को बताओ, वही प्रार्थना है। जो कुछ तेरे दिल में है प्रभु को बताओ। इसलिए अत्यधिक व्यथित होकर प्रार्थना करना, बताओ उसको अपना सारा दुख। दूसरी बात हम देखते हैं, रो रो कर प्रार्थना करना। लोग सोचते हैं कि जो लोग रोते हैं वो कमजोर होते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों के सामने रोते हो और लोगों की दया पाने के लिए रोते हो, सच में आप कमजोर हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर के सामने रोने की बात हो रही है, फर्क है। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की सांत्वना, लोगों की सिंपथी पाने के लिए अगर आप रो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कमजोर आदमी हैं। लेकिन अगर आप एक बच्चे के समान, अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आंसू बहाते हैं, आप कमजोर नहीं हैं। लेकिन आप उस बच्चे के समान हैं जो बच्चा बनने के लिए प्रभु ने आपको कहा है, बच्चा बन जाओ मेरा। कितने लोग यहां पर यीशु मसीह के वापस आने का इंतजार करते हैं और विश्वास करते हैं कि वापस आएगा वो। प्रकाशित वाक्य 12 और प्रकाशित वाक्य 7 और प्रकाशित, खोलिए मत कोई बात नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य 7 और प्रकाशित वाक्य 21 में दो जगह पे लिखा है, सब लोग सुन रहे हैं, एक ऐसा काम जो यीशु करेगा जब इस धरती पर वापस आएगा। अभी कितने लोगों ने हाथ उठाया था कि वो आप विश्वास करते हो, हाथ को ऊपर ही रखना। आप सब विश्वास करते हैं यीशु वापस आएगा। बाइबल कहती है जब यीशु वापस आएगा, दो बार लिखा है, जब वो वापस आएगा हर एक आंखों से आंसुओं को पोछेगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह का एक काम है जो वो करने वाला है जब वापस आएगा। इसलिए प्रभु के सामने रोना है। ये नहीं कि जबर प्रभु आज मेरी मदद कर, आंसू नहीं आ रहे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दिल में दुख होगा दिखाओ और प्रभु के सामने आंसू बहने लगेंगे। जैसे हम यहां पढ़ते हैं, कैसे क्या लिखा है 10 के अंदर, और वह अत्यधिक व्यथित होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। बिलक बिलक कर रोने लगी। हन्ना कमजोर नहीं है, लेकिन हन्ना अपने परमेश्वर को जानती है और हन्ना को पता है अगर मैं परमेश्वर के सामने रोऊंगी, परमेश्वर मेरे आंसुओं की इज्जत करेगा। हमेशा आप एक बात को देखना, जब आप अपने जीवन में दुखों में होते हो, आप परमेश्वर को अच्छे से जान सकते हो। जब आपका जीवन दुखों से घिरा है, उसको एक अच्छा समय समझो। इस समय में जब मैं दुखों में घिरा हूं, कम से कम मैं परमेश्वर के करीब तो आ जाऊंगा। सो अगर आपकी आत्मा सचमुच प्रार्थना करने वाली आत्मा है, इफ योर स्पिरिट इज ट्रूली अ प्रेइंग स्पिरिट, तो ये दो चीजें आपके जीवन में जरूर होंगी। आप अपने दुखों को प्रभु को जाहिर करोगे। पहली बात तो दुख होंगे जिंदगी में। YouTube पर बहुत प्रचार हो रहा है, अगर तुम प्रभु में आओगे तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, और ये बाइबल में से है और ये सच है, अगर आप यीशु मसीह में आओगे आपकी जिंदगी के सारे दुख खत्म नहीं होंगे। एक दुख आएगा, दूसरा फिर चला जाएगा, दूसरा खड़ा है आपको तोड़ने के लिए, आपका विश्वास कम करने के लिए, आपके विश्वास को परखे जाने के लिए। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु, इतना महान, इतना सामर्थी है कि आपके जीवन के दुखों को वो इस्तेमाल कर सकता है कि आप उसके करीब पहुंच सको।
और आप बिलख बिलख के रोना परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं में कमजोरी नहीं है, लेकिन अपने परमेश्वर के सामने बच्चा बनने वाली बात है, उस पर निर्भरता दिखाने वाली बात है। इसलिए अगर आपका कभी मन करता है प्रार्थना में रोने का, तो आप रोएं और चिंता मत करें और लोगों की चिंता मत करें लोग क्या कहते हैं। लेकिन जब हन्ना के पास औलाद नहीं है, हन्ना रो रो के प्रार्थना कर रही है, अपनी प्रार्थना में बड़ी अद्भुत सी बात कहती है। 11 में हम उस बात को देखते हैं, उसने क्या कहा अपनी प्रार्थना में। फिर उसने मन्नत मानी और कहा, उसने प्रभु से मन्नत मांगी है, हे सेनाओं के यहोवा, हाँ? यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच ध्यान करे, प्रभु मैं बांझ हूं, अगर तू सचमुच मेरी मेरी मेरे दुख को देखेगा, उसे स्मरण करे, हाँ? और अपनी दासी को ना भूले, हाँ? परंतु अपनी दासी को एक पुत्र दे, हाँ? तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी। ओके, वो किससे बेटा मांग रही है? सारे बोलो, परमेश्वर से मांग रही है। और वो बेटा पाने के बाद किसको देने की बात कर रही है? परमेश्वर को। आपको एक चीज को सीखना है, जो चीज आप परमेश्वर से मांग रहे हो, आपको अपने मन में मांगने के साथ साथ मांगने से पहले आपके मन में साफ साफ आपको पता होना चाहिए, जो चीज मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, जो चीज मैं परमेश्वर से मांग रही हूं, इस चीज से मैं प्रभु की महिमा कैसे कर सकती हूं। मांगते तो हम हैं, मांगने में तो हम नंबर वन है, मैं भी, हम सारे, मांगना अच्छे से आता है, पर जो सवाल अपने को पूछना है वो ये है, अपने आप से पूछना है, जो चीज मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, जो चीज मैं परमेश्वर से मांग रही हूं, इस चीज के द्वारा मैं कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकती हूं। ये चीज जो मैं प्रभु से मांग रहा हूं या मांग रही हूं, ये चीज कैसे परमेश्वर के पास मुझे लेके जाएगी, मेरा आत्मिक जीवन, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे ब्लेस होगी इस चीज के द्वारा। और अपना सब कुछ, जैसे सामने लिखा है कि अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने परिवार को परमेश्वर की महिमा के लिए क्या समर्पित कर देना। हन्ना के पास, बांझ के पास बहुत सारे बेटे बेटियां हैं ना। हन्ना प्रभु से बेटा इसलिए नहीं मांग रही, प्रभु मुझे बेटा दे ताकि मैं भी इसको जवाब दे सकूं, देख मेरे पास भी है बेटा। वो बदला लेने के लिए नहीं मांग रही है, वो उसके समान बनने के लिए नहीं मांग रही है, वो समाज में अपनी रेपुटेशन बनी रहे, लोग उसको बांझ बांझ ना बोले, इसलिए बेटा नहीं मांग रही है। वो क्यों मांग रही है? परमेश्वर मुझे दे ताकि मैं उसको तुझे वापस दे दूं, तेरी महिमा के लिए दे दूं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आपने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया है? क्या आपने अपना जीवन दिया है परमेश्वर को? क्या आप परमेश्वर के पास सिर्फ चीजें पाने के लिए आते हैं? जो चीजें आपको अभी तक नहीं मिली हैं, लेकिन जो चीजें आपके पास पहले से हैं, क्या वो चीजें आपने परमेश्वर की महिमा के लिए दी हैं? आपके महीने में एक बार जो आपको तनख्वाह मिलती है, क्या आप वो तनख्वाह प्रभु की महिमा के लिए देते हैं, समर्पित करते हैं? प्रभु ये मेरी जो 15,000 तनख्वाह है, मैं खुदा इसको तेरी महिमा के लिए समर्पित करता हूं, और आज्ञा मान करके मैं इस तनख्वाह में से दशवांश तेरे चरणों में रखता हूं। आपके बच्चे, क्या आपने बच्चों को आपने प्रभु की महिमा के लिए समर्पित किया है? आप सबके पास सपने हैं, मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, लेकिन क्या आप लोगों ने प्रार्थना की है, परमेश्वर तू मेरे बच्चे को वो बना जो तू चाहता है मेरा बच्चा बने? क्या आपने अपने अपने समय को प्रभु को समर्पित किया है? क्या आपने अपनी आत्मा प्रभु को समर्पित की है? क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है? या आप सिर्फ एक आत्मिक क्रिया पूरी करने के लिए चर्च में आते हैं? क्या आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए आप समर्पित कर चुके हैं? हन्ना के जीवन से बहुत बड़ी बात को सीख रहे हैं। वो बांझ है, लोग उसे ताने मारते हैं, उसकी बांझ उसको ताने मारती है, उसके जीवन में दुख है, हाँ उसका पति प्यार करता है, लेकिन बांझ तो वो तब भी है। लेकिन परमेश्वर से अगर वो बेटा मांग रही है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए ही बेटा मांग रही है। जो चीजें आप परमेश्वर से मांगते हो, पूछो अपने आप से, किस तरह से उन चीजों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करोगे?
बहुत बार परमेश्वर हमें जो चीज़ें हम मांगते नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि वो चीज़ें हमें परमेश्वर के पास लेके जाना नहीं, हमें परमेश्वर से दूर कर देंगी। और इसलिए प्रभु कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें देता है, कुछ समय के बाद अपनी दया के अनुसार उन चीज़ों को हमसे छीन लेता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में चीज़ों को परमेश्वर का स्थान दे दिया है। जो जगह परमेश्वर की है उन चीज़ों पर हमने पर उन चीज उस जगह पर हमने चीज़ों को रख दिया है। इसलिए परमेश्वर भला है, ध्यान से मेरी बात को सुने, परमेश्वर आपको सिर्फ चीज़ें देने में भला नहीं है, आपके जीवन में चीज़ें वापस लेने में भी वो उतना ही भला है। उसकी विजडम पे ट्रस्ट करें, उसकी योजनाओं पे ट्रस्ट करें। वो आपको क्या देता है, आपको धन्यवाद देना बड़ा आसान है क्योंकि आपको कुछ मिला है, लेकिन जब आपसे कुछ ले लिया जाता है वो तब भी उतना ही भला है। ट्रस्ट हिज विजडम, ही हैज अ प्लान, और वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। अगला मकसद, अगला चिन्ह एक सच्ची प्रार्थना का हम देखते हैं कि वो लगातार प्रार्थना करते रहना। इस चीज को तो मैं आपको 3 हफ्ते से सिखा रहा हूं, कीप प्रेइंग टिल गॉड आंसर्स, कीप प्रेइंग। और हम देखते कि हन्ना ने ऐसे किया, लगातार प्रार्थना करती रही। 5वीं बात जो हम देखते हैं, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय व्हाट अदर्स से। जब आप प्रार्थना करोगे ना, लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे। जब आप प्रार्थना करोगे लोग आपको उल्टा समझेंगे। यहां पर बड़ी अद्भुत सी बात हम देखते हैं, बड़ी गलत बात हम यहां पे देखते हैं कि जब वो मंदिर में पहुंची और जब वो प्रार्थना करने लगी तो 13 में देखो क्या लिखा है, सब लोग 13 देखो। हन्ना तो मन ही मन कुछ कह रही थी, उसके होंठ भर हिलते थे परंतु हाँ? उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। सो बेसिकली वो अपने मन में प्रार्थना कर रही थी, उसके सिर्फ लिप्स हिल, उसके होंठ केवल हिल रहे थे, अपने अंदर प्रार्थना कर रही थी। ओके, इसलिए एली ने सोचा कि वह नशे में है। एली कौन है? एली पास्टर है। कौन है? सारे बोलो, एली कौन है? एली पास्टर है। ओके, तब एली ने उससे कहा, हाँ? तू कब तक नशे में रहेगी? वो एली क्या, पास्टर क्या बोल रहा है, तू कब तक नशे में रहेगी? क्योंकि एली को क्या लगता है कि उसने बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं ये एली कैसा है। अगर आप लोग प्रार्थना करोगे ना, मैं कभी आप लोगों को ऐसे नहीं बोलूंगा कि आपने शराब पी है, लेकिन एली ने ऐसा बोला। एली ने क्या सोचा, हाँ, पढ़ो। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार दे। हाँ, परंतु हन्ना ने उत्तर दिया, नहीं। हाँ, तो बस सो आम तौर पे जैसे इस चर्च में परमेश्वर के साथ आपको कुछ बात करनी है, कोई आपके जीवन में दुख है, तो क्या आप पास्टर को उस चीज़ में सहायक समझेंगे कि नहीं समझेंगे? जैसे मैं हूँ, इस चर्च का पास्टर हूँ, अगर आपके जीवन में कोई दुख है और अगर आप चर्च में आए और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या आप मुझसे सहायता की उम्मीद रखेंगे या आप मुझे आप नकार देंगे? आप मुझे बताएंगे आके, यस और नो, बताएंगे आके मुझे? तो जो व्यक्ति जिसको आपका विश्वास बढ़ाना चाहिए वो आपको क्या बोल रहा है, तू नशे में है। तो वो जो हन्ना थी उसकी हालत क्या होनी चाहिए, समझ में नहीं आया, मैं तो चर्च में आई हूं और यहां पास्टर ही मुझे उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो शायद सचमुच खुदा मुझे प्यार नहीं करता, ये तो प्रभु का दास है, मुझे प्रभु के दास ने बोला, मैं तो यहां रो रही हूं, ये मुझे बोलता है कि मैं नशे में हूं, तो शायद सचमुच मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। चलो, मतलब शायद परमेश्वर मेरी दुआ को सुनना नहीं चाहता। लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया, लोग उसको रोक रहे हैं, यहां पर तो पास्टर ही उसे रोक रहा है ना, लेकिन वो नहीं रुकी। वो क्या बोलती है, नहीं, पहली बात तो उसने इज्जत से पेश आई है, और क्या बोलती है हन्ना उसको? परंतु हन्ना ने उत्तर दिया, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो आत्मा में दुखित हूं, हाँ। मैंने ना तो मदिरा पी है और ना शराब, हाँ। मैंने अपना प्राण प्रभु के सामने उंडेल दिया है। बस, तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, लोग आपको रोकते हैं, लेकिन आपको लोगों के रोकने से बिल्कुल भी रुकना नहीं है। आप सब लोगों को याद है वो अंधा यीशु मसीह को पुकार रहा था? कितने लोगों को याद है वो अंधा यीशु मसीह को पुकार रहा था? भीड़ ने क्या बोला उसको, चुप कर। तो क्या वो चुप हुआ? उसने और जोर से चिल्लाया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर।
उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में जब आप प्रार्थना करोगे रुकावट आएगी, हमेशा रुकावट आएगी। डू नॉट बी बॉदर्ड, उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। प्रार्थना कर, उल्टा जो लोग आपको समझते नहीं हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना है। हन्ना ने पलट के पास्टर की बेइज्जती नहीं करी, आप कैसे पास्टर हो, मैं प्रार्थना कर रही हूं, दुखी हूं, आप मुझे नशेड़ी बोल रहे हो। उसने जाके पास्टर की कंप्लेंट नहीं करी है, सीनियर पास्टर को इज्जत से पेश आ रही है। क्या बोलती है, हे मेरे प्रभु, प्रभु का मतलब इज्जत से पेश आ रही है, इज्जत कर रही है। जो लोग आपके जिंदगी में रुकावट बन के आते हैं उनके साथ बदला लेने की भावना नहीं, लेकिन अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना है। जो आपको समझते नहीं है उन पर दया दिखानी है, जो आपको समझ लेते हैं उन पर तो आप दया दिखाते हैं। प्रभु आपको किस प्रकार बदलना चाहता है, जो आपको नहीं समझ रहा उसके ऊपर भी दया दिखानी है। और हम आगे क्या सीखते हैं इसके जीवन में, फिर क्या हुआ? अब सारे बताओ, उस महिला का नाम क्या है जिसके पास औलाद नहीं है, बताओ। उसकी क्या, उसकी बांझ उसको तंग करती है, बताइए। क्या उसकी बांझ उसको टोंट मारती है, ताने मारती है? क्या हन्ना चाहती है उसको भी औलाद हो जाए, हाँ ये ना बोलिए। क्या हन्ना प्रार्थना करती है? क्या हन्ना ने रोकने के बावजूद, क्या वो किसी और ने उसको रोका टोका, क्या वो प्रार्थना करने के लिए रुकी? ओके, जब उसने अच्छे से पेश आई उस व्यक्ति के साथ, पास्टर के साथ, तो पास्टर ने क्या बोला? सिक्सटीन, हाँ देखो, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, हाँ? जो कुछ मैंने इस समय तक कहा है वह बहुत ही व्याकुल होने वाली होने और चिढ़ाई जाने के कारण है। हाँ, नहीं, 15 पढ़ो। परंतु हन्ना ने उत्तर दिया, हाँ? नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो आत्मा में दुखित हूँ, मैंने ना तो मदिरा पी है और ना शराब, मैंने अपना प्राण प्रभु के सामने उंडेल दिया है। ये एक बात थी जो प्रार्थना में सीखने वाली बात है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के सामने अपने आप को, सारे बोलो, उंडेल देना। उंडेल देना मतलब जो कुछ तुम्हारे मन में है प्रभु के सामने खाली कर देना, ये है प्रार्थना। टेलिंग एवरीथिंग टू गॉड, एम्प्टिंग योरसेल्फ, अपने आप को खाली कर लेना परमेश्वर के सामने, जैसे हन्ना ने किया। वो ये अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है हन्ना ने, इससे हम सीखते हैं बातों को। प्रार्थना 2 मिनट की छोटी सी कुछ फॉर्मेलिटी नहीं, प्रार्थना वो नहीं है, सब कुछ प्रभु को बता दो, खाली कर देना, उंडेल देना। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। उंडेल देना मतलब ये आपका मन है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के सामने अपने मन को खाली कर देना, जो कुछ तुम्हारे मन में है परमेश्वर के सामने प्रार्थना में उसको सब कुछ बता देना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके बाद जब उसने समझाया तो उसको एली ने क्या उत्तर दिया? अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, हाँ। जो कुछ मैंने इस समय तक कहा है वह बहुत ही व्याकुल होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा है, हाँ। इस पर एली ने उत्तर दिया, पास्टर ने भी उत्तर दिया, ठीक है। पास्टर को समझ में आ गया, अरे यार ये तो प्रार्थना कर रही थी, मैं इसको शराबी समझ रहा था। तो अभी पास्टर ने क्या उत्तर दिया? शांति से जा और इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे। हालेलुया, उसने परमेश्वर के जन के द्वारा उसने आशीष को पा लिया है। हालेलुया। क्या उसके जीवन में दुख है? एवरीबडी सारे बोले, क्या उसके लाइफ में दुख है? क्या उसका दुख छोटा है या बड़ा है? क्या उसने प्रार्थना की? उसने प्रार्थना करने के बाद क्या उसने परमेश्वर के जन की, पास्टर की, क्या उसने आशीष ले ली? अब देखो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। 18 पढ़ो। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। उस स्त्री ने जाकर खाना खाया और उसका मुंह फिर एवरीबॉडी सब लोग ध्यान दें। उसने क्या किया? खाना खाया। एक बार सब लोग 8 वचन में जाओ, सारे गो बैक और 8 वचन देखो। तब उसका पति एलकाना उससे, सब लोग पढ़ेंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू, आप चाहता हूं कि आप इस चीज को नोट करें। लुक एट वर्स 8, सारे पढ़ो। हाँ,
क्यों तू भोजन नहीं करती है। उस समय तक क्या उसने प्रार्थना की थी? प्रार्थना की थी उसने? नहीं की थी। इसीलिए उसका मन दुखों से भरा है और वो खाना भी नहीं खा सकती है। लेकिन जब उसने प्रार्थना की और जब उसने प्रभु के जन की आशीष को ले लिया है, क्या उसने आशीष को पाते बेटा पा लिया? क्या उसको यह भी खबर मिल गई कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है? नहीं, अभी तो वो मंदिर में ही है। लेकिन जिस घड़ी तुमने प्रार्थना कर ली, जिस घड़ी तुमने परमेश्वर के जन की आशीष को पा लिया है, उसी घड़ी तुम अपनी आशा को वापस पा लेते हो। मतलब जीवन में दुख आता है, आएगा दुख, दुख जताना है तुम जता लो दुख, लेकिन जब तुमने एक बार प्रार्थना कर ली है, फिर तुम परमेश्वर की आशा को पाने वाले व्यक्ति बन जाते हो। हालेलुया। तो फिर क्या हम क्या, प्रार्थना के बाद उदास ना रहना, आशा ना खोना। सामने देखो सारे में क्या लिखा हुआ है, सब पढ़े। प्रार्थना के बाद उदास ना रहना, आशा ना खोना। जो चीज आपने मांगी है प्रभु से अभी मिली तो नहीं है, लेकिन आशा मिल गई है। इसीलिए पौलुस कहता है किसी भी बात में चिंता मत करो, लेकिन धन्यवाद के साथ अपनी सारी विनतियां परमेश्वर को प्रार्थना में चढ़ा दो और शांति का परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? ऐसी शांति देगा जो समझ से भी परे है। पौलुस परमेश्वर के वचन में जो हमसे प्रॉमिस करता है वो ये है कि जब तुम दुखों में होते हो, चिंता मत करो, धन्यवाद के साथ अपनी सारी बातें प्रभु को बता दो और परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? शांति देगा। यह नहीं लिखा कि उसी वक्त चिंता दूर कर देगा। क्या लिखा है? उसी वक्त तुम्हें क्या दे देगा? शांति दे देगा। मसीही लोग आशा वाले लोग हैं। हमारे पास होप है, हमारे पास आशा है, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है। इसलिए प्रार्थना करने तक उदास हो, रहो उदास। वैसे भी प्रार्थना नहीं करोगे तो उदास तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन जब तुमने एक बार प्रार्थना कर दी, इफ यू हैव गिवन योर, आपने परमेश्वर को अपने दुखों को चढ़ा दिया है, बिलख बिलख कर रो लिया है, अपनी अत्यधिक व्यथित आपकी जो कंडीशन है आपने प्रभु को दिखा दी है, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब आपको आशीष मिल गई है, फिर आपके जीवन में आशा आ गई है, और फिर उदास नहीं रहना। और अंतिम बात, एक बड़ी अद्भुत बात, ये आखिरी पॉइंट है, सिर्फ 2 मिनट में और प्रचार करूंगा, 2 या 3 मिनट, ध्यान से सुने। वो बांझ है, वो दुखी है, उसका मन टूटा हुआ है, वो मंदिर में आती है, मंदिर का चर्च का मतलब परमेश्वर का जन पास्टर ही उसे उल्टा समझ लेता है, वो तब भी नहीं रुकती है, वो प्रार्थना करती रहती है, फिर प्रभु का जन उसे आशीष दे देता है, अभी वो वहीं पर है, अपने घर वापस भी नहीं गई है, उसके जीवन में आशा आ पहुंची है। अब एक बड़ी अच्छी बात जो हम यहाँ पे हन्ना के जीवन से सीखते हैं, व्हाट इज दैट, लुक एट वर्स 19। भोर को जल्दी उठकर, एक्चुअली 18 पहले पूरा करते हैं, हाँ, वो अपने, फिर उसने उठ के खाना खाया, फिर और उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। क्या बच्चा मिल गया उसको? नहीं। सारे बोलो, बच्चा मिल गया उसको? नहीं। पर उसका मुंह फिर उदास नहीं रहा। ये चमत्कार कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। फिर उसने क्या किया? भोर को जल्दी उठकर उन्होंने यहोवा के, भोर को जल्दी उठकर, बाइबल में मेरा मानना है बहुत बार जल्दी उठकर मतलब उस काम को करने के लिए अंदर से जोश है। आप बताओ कौन से काम के लिए जल्दी उठेंगे? जिस काम को करने के लिए आप जोश है। इसको अभी संतान तो नहीं मिली है, लेकिन सुबह जल्दी उठ गई, पर जरा देखते हैं कौन से काम के लिए जोश है इसको, देखो जरा। उन्होंने यहोवा के सामने दंडवत किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या बच्चा मिल गया? नहीं। बच्चा मिल गया, लेकिन जल्दी उठकर क्या करती है? परमेश्वर की आराधना करती है। अगला पॉइंट मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं, ये अंतिम पॉइंट है, प्रार्थना का जवाब मिलने तक आपके जीवन में परमेश्वर की आराधना बनी रहनी चाहिए। और हम में से बहुतों का जीवन ऐसा है, हम प्रभु के साथ सौदा करते हैं, हम प्रभु के सामने रिश्वत फेंकते हैं, पता है आपको, रिश्वत फेंकते हैं, प्रभु तू मेरा ये काम कर दे, फिर देख मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर मैं तेरा भजन गाऊंगा और ये करूंगा। जो चीज हमें चाहिए वो चीज हमको यदि ना भी मिले,
जो चीज हमें चाहिए अगर उस चीज को पाए बिना भी हम इस धरती पर से चले गए तो भी हमारा जीवन परमेश्वर की आराधना से भरा हुआ होना चाहिए। आराधना हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्रभु हमें जो मांगते हैं वो देता है, आराधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर हालातों में वो आराधना के योग्य है। परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, प्रार्थना सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है, इन बातों पर आधारित परमेश्वर की आराधना नहीं होती। परमेश्वर की आराधना हर समय हमारे जीवन में इस सत्य पर आधारित होती है कि चाहे हमारे जीवन में हालात जो भी हो उसका सिंहासन हमेशा के लिए टिका हुआ है और जो अपने सिंहासन पे विराजमान है वो आपकी और मेरी आराधना का वो योग्य है उस बात के। हन्ना इतनी हलीम और प्रभु के नजदीक रहने वाली स्त्री है, उसने प्रभु से ये नहीं कहा प्रभु जब मेरे पास बेटा आएगा तब मैं तेरी आराधना करूंगी, लेकिन जब उसने प्रभु की आशीष पाली और आशा पाली तब वो सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर की आराधना करती है। अर्ली इन द मॉर्निंग दे अरोज एंड वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप बिफोर द लॉर्ड एंड देन वेंट बैक टू देयर होम। फिर हम देखते हैं कि अलकाना और हन्ना उनका संबंध बना और परमेश्वर ने लिखा, इट्स सो ब्यूटिफुल, लिखा हुआ है देन द लॉर्ड रिमेंबर्ड हर। जब वो घर वापस चले गए और एलकाना और हन्ना उनका संबंध हुआ तो लिखा हुआ है परमेश्वर ने हन्ना को याद किया। कितनी खूबसूरत बात है, हन्ना ने परमेश्वर पे अपना भरोसा बनाए रखा और परमेश्वर का समय आने पर, इस दुनिया में अनगिनत लोग रहते हैं लेकिन एक बांझ स्त्री की प्रार्थना को परमेश्वर ने याद किया। जो जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु के सामने, एक समय आएगा, वो एक महीने के बाद हो सकता है, शायद वो 20 साल के बाद हो सकता है, लेकिन एक समय आएगा जब आपकी प्रार्थना को परमेश्वर याद करेगा। हालेलुया। सो गॉड इज वेरी फेथफुल, परमेश्वर बहुत वफादार है। आप जिस तरह की वफादारी दुनिया में ढूंढ रहे हो परमेश्वर के पास जाओ, आपको उस तरह की वफादारी परमेश्वर से मिलेगी और आप जानोगे प्रभु को, प्रभु तू सचमुच में जिंदा है, प्रभु तू सचमुच में मेरी दुआओं को सुनता है। प्रार्थना करने से बहुत अद्भुत काम हो सकते हैं। आजकल मैं प्रार्थना पे एक किताब पढ़ रहा हूं, उस किताब पे वो जो लेखक है वो इतनी सारी कहानियां बताता है कि वो अपने दोस्तों को ना आइडियाज देता है। उसने अमेरिका का उदाहरण दिया था, मैं आपको उसी चीज को इंडिया के हिसाब से बताता हूं। जैसे उस पास्टर ने 20-25 लोगों को आइडिया दिया, तुम एक काम करो, तुम सब लोग सेक्टर 56 के लिए प्रार्थना करो, और तुम एक काम करो, तुम लोग सब नाथूपुर के लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार उसने अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थानों के लिए प्रार्थना करने पे जिम्मेदारी सौंप दी। वो लोग लगातार उस स्थानों के लिए प्रार्थना करने लगे। अद्भुत तरीके से जिन स्थानों के लिए प्रार्थना हो रही थी उन स्थानों पर अनेक लोग यीशु मसीह को जानने लगे। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने चेक किया, जिन स्थानों के लिए प्रार्थना नहीं हो रही थी उन स्थानों में प्रभु का काम नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, जिस चीज के लिए प्रार्थना करोगे उस चीज में जरूर परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा। दैट्स द वंडरफुल थिंग। इसलिए परमेश्वर हमें एक, हमारा प्रभु तो एक मूर्ति भी नहीं है, हमें कुछ दिखता नहीं है ना। हम जब प्रार्थना करते कुछ नजर आता है आप लोगों को? हम बस प्रार्थना करते हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जिस समय हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग में कुछ ना कुछ होता है। एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब एक रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स स्वर्ग में होता है। यहां पे हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग कुछ ना कुछ करने लगता है, क्योंकि प्रभु तो वफादार है। हम प्रार्थना करेंगे उसको तो वफादार रहना है ना, परमेश्वर को उसकी वफादारी इसी बात में है, हम प्रार्थना करते हैं वो जवाब देता है। इसलिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के बिना आपकी कोई आशा नहीं है। दाऊद के बारे में यहां पे मैंने लिखा हुआ था एक पॉइंट, वो यही है कि जब दाऊद दुखों में तो दाऊद कहता है हे मेरे मन तू क्यों उदास है, हे मेरे मन तू मेरे अंदर इतना परेशान क्यों है, परमेश्वर में अपनी आशा डाल और मैं तो परमेश्वर की आराधना करूंगा। दुखों को दूर होने का इंतजार मत करो परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परमेश्वर हर समय हर हालातों में जैसा भी परमेश्वर है इस बात के योग्य है कि हम सब दुखों में
दुखों के बावजूद परमेश्वर को वो महिमा दें जो उसकी बनती है, और उसकी आराधना करने में हमारी शांति है, उसकी आराधना करने में हमारी भलाई है। मेरी आशा बस यही है कि अब आप अपने जीवन में प्रार्थना में आगे बढ़ो। मेरे मन में तो यह भी आ रहा था कि हमें रोज सत्संग में प्रार्थना, रोज चर्च आके प्रार्थना। सितंबर का महीना क्यों? ये कोई मुहूर्त थोड़ी है सितंबर के महीने में चलो जी प्रार्थना करेंगे। रोज आप लोग चर्च आ सकते हो, जो लोग आसपास रहते हैं दूर से भी कभी कभी वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक आप आ सकते हो। हर रोज शाम को 7 बजे यहां पे आके प्रार्थना करो। दक्षिण कोरिया का नक्शा कैसे बदला? परमेश्वर के खिलाफ थे वो लोग, कैसे बदला मालूम है? एक बहुत बड़ा योगदान इसी बात में है कि वहां पे लोग रोज सुबह तैयार होकर अपना लैपटॉप लेके या जो जो भी अपना काम करते हैं सब लोग सुबह सुबह तैयार होके सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे चर्च में पहुंच जाते हैं। पूरा देश ऐसे ही है और सब लोग सुबह सुबह इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा प्रार्थना करके फिर अपने अपने कामों को निकल जाते हैं। देश बदल गया, प्रार्थना से चीजें बदलती हैं। आपकी मेहनत और आपके आइडियाज, आपका ये ट्राई करना वो ट्राई करना, उन सबका एक स्थान है, काम भी हमें करना है। अगले संडे तो मैं यहां पे नहीं हूं, लेकिन उसके अगले संडे जो प्रचार मुझे आपको करना है वो इसी बात के ऊपर है कि प्रार्थना और एक्शन दोनों एक साथ, दोनों जरूरी हैं। ये नहीं कि प्रार्थना ही करते रहो। हम एक कहानी को देखेंगे जहां पे मूसा प्रार्थना कर रहा है और यहोशू लड़ाई कर रहा है और जंग जीत गए, और वो देखा कि जब जब प्रार्थना रुक रही है यहोशू हारने लगा, जब जब प्रार्थना हो रही है यहोशू जीतने लगा। लेकिन दोनों जरूरी हैं, पर जो आप एक्शन भी करते हो प्रार्थना से बैकअप होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करो, चक के देखो प्रभु कितना भला है। लिस्ट बना लो, प्रभु के सामने रोज जाओ उन चीजों के लिए, रोज प्रभु से प्रार्थना करो। आप चाहते हो आपके पड़ोसी बदले, आप चाहते हो आपका पति बदल जाए। बदलने का मतलब ये नहीं कि ये जाके दूसरा मिल जाए, बदलने का मतलब वही व्यक्ति बदल जाए। ठीक है, प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। कितने लोग आज बिलख बिलख के रोना चाहते हैं प्रभु के सामने? कितने लोग अपने आप को खाली करेंगे प्रभु के सामने? खाली करेंगे।